और अब बात करेंगे राजा भैया की। यूपी के सीईओ जियाउल हक हत्याकांड केस में सीबीआई ने राजा भैया को पूछताछ के लिए समन भेजा है। आज सुबह 10:30 बजे यूपी के इस बाहुबली विधायक को सीबीआई ऑफिस में हाजिर होना होगा। राजा भैया पर सीबीआई का शिकंजा, क्या डीएसपी हत्या का राज खुलेगा? कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया की मुश्किल बढ़ सकती है। सीबीआई ने आज राजा भैया को पूछताछ के लिए समन भेजा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई डीएसपी जियाउल हक की मौत के मामले में राजा भैया से सवाल जवाब कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई दूसरे आरोपियों और गवाहों के बयान के साथ राजा भैया के बयान को परखना चाहती है। राजा भैया का बयान इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस से पर्दा उठा सकता है। गौरतलब है कि इसी साल 2 मार्च को कुंडा के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव और उसके भाई सुरेश यादव की हत्या कर दी गई थी। मौके पर पहुंचे डीएसपी जियाउल हक की भी संदिग्ध हालत में हत्या हो गई थी। इस तिहरे हत्याकांड में शहीद डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। लेकिन जांच एजेंसी की सारी कवायद राजा भैया के खास लोगों तक ही सिमटी हुई थी। लेकिन वारदात के करीब 2.5 महीने बाद कुंडा के गुंडा नाम से मशहूर राजा भैया से पूछताछ की जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जियाउल हक की हत्या के 74 दिनों के बाद सीबीआई की टीम आज करेगी राजा भैया से पूछताछ। सीधे रुख करेंगे कुंडा का, जहां से हमारे संवाददाता फरमान अब्बास इस वक्त जुड़ चुके हैं। फरमान, राजा भैया पहुंचेंगे कब, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, फिलहाल सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सीबीआई का जो कैंप कार्यालय है, पूरी तैयारी है यहाँ पर, क्योंकि आज उनको तलब किया गया है राजा भैया को, और तमाम ऐसे सवाल हैं सीबीआई जिनके जवाब जानना चाहती है। क्योंकि जो इस पूरे मामले में जो 4 एफआईआर की गई थी, उसमें जो 4थी एफआईआर थी जो डिप्टी एसपी जियाउल हक की पत्नी की तरफ से की गई थी, उसमें सीधा इल्जाम राजा भैया के ऊपर लगाया गया था कि डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या की साजिश राजा भैया ने रची है। तो उस सवाल का जवाब आज सीबीआई जानना चाहेगी राजा भैया से, चूंकि बाकी जो 3 एफआईआर हुई थी उन एफआईआर में सीबीआई को बहुत कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन जो 4थी एफआईआर थी उसमें आज राजा भैया को तलब किया गया है। और दोपहर तक वो राजा भैया यहां पर जो कुंडा में सीबीआई का जो कैंप कार्यालय है यहां पर आने की उनकी उम्मीद है। और तमाम आती है, जब जियाउल हक की पत्नी की ओर से पहले ही राजा भैया का साफ साफ सीधे सीधे नाम ले लिया गया था, ये कहते हुए कि दरअसल पूरे हत्याकांड के पीछे वही मुख्य कर्ता धरता है, उसके बावजूद 2.5 महीने का वक्त बीत गया। इस बीच सीबीआई धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती रही और अब सीबीआई ने राजा भैया को समन भेजा है पूछताछ के लिए। बिल्कुल चित्रा, क्योंकि तमाम सीबीआई इस पूरे मामले में, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला था, एक उत्तर प्रदेश के एक मंत्री से जुड़ा हुआ मामला था, राजा भैया उस वक्त मंत्री थे यहां पर, तो ऐसे में सीबीआई पहले तमाम ऐसी जानकारियां, तमाम ऐसे जो साक्ष्य है वो जुटाना चाहती थी। राजा भैया के ढेरों करीबियों से पूछताछ की गई, तमाम ऐसे गांव वालों से पूछताछ की गई जो उस वक्त वहां मौजूद थे। कुछ गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद जब सीबीआई ने तमाम जो पूछताछ की जिन लोगों से, उन लोगों से जो जानकारियां हासिल हुई, अब जाकर सीबीआई ने राजा भैया को तलब किया है ताकि उन जो जानकारियां हासिल हुई हैं, जो तमाम जो सवाल लोगों से किए हैं जिनको गिरफ्तार किया है, उनके जो बयान लिए हैं, उनको बयानों को लेने के बाद अब सीबीआई के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, और उन फहरिस्त के साथ सीबीआई अब राजा भैया को तलब किया है उसने, और अब उनसे उन सवालों के जवाब मांगेगी जो 2 मार्च की रात कुंडा में, जो कुंडा के गांव बलीपुर में जो तेहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो दाग है, जो आरोप है, जो इल्जाम है, वो राजा भैया के ऊपर भी लगे थे। तो अब सीबीआई अपने राजा भैया के ऊपर और जियाउल हक की पत्नी ने तो बकायदा उनका नाम भी लिया था। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका फरमान, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो जैसे और जानकारी आएगी और राजा भैया जैसे ही पहुंचेंगे सीबीआई दफ्तर, पूरी तफ्तीश से जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का रुख कर लेंगे।